इस बार अब दिवाली हम लोग अलग जगह पर सेलिब्रेट कर रहे हैं जहाँ पर आने वाला है बहुत सारा मजा, और हम दोनों ही आए शॉपिंग करने के लिए। कुछ खबरी है तेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे ठंड होगी वैसे, लेकिन फिर भी मैंने ये रख लिया एक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है अपनी स्ट्रिप पढ़ते हुए, तो मैंने सोचा चलो यार यहीं पर व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। और अभी मैं पढ़ रही हूँ अपनी एवरी दिवाली एवर की स्क्रिप्ट, जो की है दिवाली की बहुत बड़ी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो मेरी तरह। सॉरी, इस वहाँ पर सीन कट हुआ और हम लोग आ गए हैं थोड़ा आगे, और हमारी अभी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया था, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ अपनी स्क्रिप्ट को। और स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ जिसमें लिखा है कि मम्मी सफाई कर रही है। मम्मी, एक तो दिवाली के समय ही सविता को छुट्टी लेनी थी, एक मेरे बच्चे बिल्कुल निकम्मे जिनको कोई मतलब नहीं। तो गाइस, आप लोग मुझे बताना कि आपकी मम्मी ऐसा करती है क्या दिवाली के टाइम पे। दिवाली की सफाई किस किस के घर में चल रही है, हर जगह चल रही होगी वैसे तो। हम तो भाई अपने शूटिंग में लगे पड़े हैं। मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाऊंगी जो भी कुछ होता रहता है। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, कहाँ तक होने वाला है। दिवाली की शॉपिंग मैंने गाइस कर ली है अपनी, दिवाली ड्रेस मैंने अपनी मंगवा ली जो की आई नहीं है पहले। दिवाली की ड्रेस मैंने मंगवा ली अपनी, आई नहीं है वो अभी। और स्पेशली मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इस बार दिवाली हम लोग अपने घर पे नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बार अब दिवाली हम लोग अलग जगह पर सेलिब्रेट कर रहे हैं जहाँ पर आने वाला है बहुत मजा आने वाला है हमें, क्योंकि हम लोग जहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं देखते हैं वहाँ पर कैसे क्या होता है सारा कुछ। और हमारी पूरी पैकिंग वैकिंग नहीं हुई है अभी, मतलब कि ये भी काम बाकी है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और हम बाय रोड बाय किससे जा रहे हैं ये भी नहीं पता है हमें अभी। तो गाइस, मैं आपको मिल रही हूँ 2 दिन बाद, और आज मैं आई थी अपनी दिवाली शॉपिंग के लिए, और मैंने अपनी दिवाली की शॉपिंग कर भी ली है, और मैंने कुछ ऑनलाइन भी लिया है तो जो कि आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग दिवाली के बाद कहीं और कर रहे हैं, वहाँ की पूरी पैकिंग वैकिंग करनी है, तो आपको शायद इस ब्लॉग में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या मैं करने वाली हूँ। तो अभी जल्दी से हम लोग पहले अपनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने अभी ज़्यादा से कुछ लिया है वैसे, वो मैं आपको दिखा दूंगी क्या लिया है। और मुझे आज पैकिंग करनी है, तो मैं आपको पैकिंग जरूर दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग 2 जगह जाने वाले हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ होने वाला है। थोड़ा सा अभी हमारा पक्का नहीं चल रहा है कि कैसे क्या होने वाला है, तो जैसे ही होता रहेगा तो मैं आपको बताती रहूँगी। और मेरे साथ ये भी है आज, और हम दोनों ही आए शॉपिंग करने के लिए। और गाइस, हम यहाँ दिवाली शॉपिंग करने आए थे क्योंकि हम दिवाली पे ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ, भी मैंने बता दिया वैसे आप लोगों को, दूसरी बार बता रही है ये। और अभी हम लोगों ने कुछ खाया था शायद, नहीं खाया था, नहीं खाया वैसे। और अभी मेरा थोड़ा सा शूट भी है, और मेरा घर पे भी शूट है। और अभी मैंने नवंबर के फर्स्ट डे से मैंने इतना शूट किया है अपना, इतना शूट किया था कि मैं फ्री हूँ उससे पहले से, तो मतलब डेली शूट्स किए मैंने, डेली। इसलिए मुझे आज ज़बरदस्ती लेकर आई है, ज़बरदस्ती, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आने का। और अब भी देखो मुझे चलवा रही है इतना ज़्यादा। चलो यार गाइस, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब शायद हम घर ही जाएंगे, और मैं कल आऊँगी मेकअप लेने के सफोरा, फिर बस हम लोग परसों चले जाएंगे। मतलब आज है 7, कल है 8 और परसों है 9। और मैं आ गई हूँ 24/7, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है 24/7। सबसे पहले उठा रही हूँ यहाँ पर किट कैट, जो कि मेरा फेवरेट है, तो जल्दी से इसको उठाते हैं और रखते हैं, और फिर डेड चीज़ें मिल जाएंगी मुझे। ये देखो, ये चोर मेरे साथ पीछे पीछे आ गई यहीं पर। तुम कैसे आ गए यहाँ पर? ब्लू कलर होगा ना तुम्हारा, नहीं था लाओ यहाँ पर। गाइज, मैं घर आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैंने कुछ रील्स बनाई है, उसके बाद अभी मेरा फोन 1% पे था तो मैंने जल्दी से इसको चार्ज में लगा दिया। और अभी मुझे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता है, शायद मुझे एक शूट करना है, करवाना है मतलब, तो मैं जा रही हूँ अपना चेंज वेंज करने और थोड़ा फ्री हो जाने, ताकि हम लोग थोड़ा शूट कर पाए आराम से। करने गई थी गाइज, लेकिन मुझे चक्कर आ गया। करने गए थे हम लोग, लेकिन जैसे कि हमने बताया था कि हमारी थोड़ी तबियत ठीक नहीं चली, और वैसे भी यहाँ पॉल्यूशन इतना है तो बाहर हमें निकलना नहीं चाहिए था। अभी हमने गलती कर ली और सिगरेट फूंक कर आ गए हम लोग, ऐसा लग रहा है। सारा जूस गिरा दिया। और गाइज, अभी हम लोग जो है अपनी, हमारा दिवाली का जो आउटफिट था वो नहीं आया, और हम लोगों को परसों निकलना है। मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम लोग जाने वाले भी हैं क्या, हम लोग नहीं जाने वाले हैं क्या, हम लोगों के कपड़े आएंगे या नहीं आएंगे दिवाली के, पता नहीं, कुछ भी डिसाइडेड कुछ डिसाइडेड नहीं है। और हम अपना काम तो हमने टाइम पे कर लिया सारा, और अभी मैं जा रही हूँ मैं जल्दी से चेंज करने, देखते हैं मैं अगर पैकिंग करूंगी तो आपको दिखा दूंगी याद से। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको मिल रही हूँ आज एक और नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरे पास इतने सारे काम चल रहे थे कि मैं डेली कुछ ना कुछ करी थी, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम मिला था तो व्लॉग बना रही थी। अभी मुझे आज फिर से बहुत सारा काम है, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ फाइनली। तो चलो, अभी मैं जाने वाली हूँ दिवाली की कुछ स्वीट्स शॉपिंग के लिए पापा के साथ, और मैंने सोचा कि चलो अभी से ही आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं तैयार हो गई हूँ, अभी मुझे पैकिंग करनी है, पैकिंग का मैंने उसी दिन बोला था लेकिन मैं पैकिंग नहीं कर पाई हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं, और अम्मी ने मुझे जो है सारी मिठाइयों की लिस्ट दे दी है कि ये लाना है वो लाना है, अब देखते हैं मैं लेकर आती हूँ या नहीं, कैसे क्या लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे मिठाइयाँ बहुत ज्यादा पसंद है, तो वही मैं अपने लिए ही ना लेकर आ जाऊँ सारी। और क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं हमें वहाँ के लिए भी लेनी है, हम लोग 2 जगह जा रहे हैं तो हमें 2 जगह के लिए लेनी है। अभी हमने बताया नहीं आपको कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, सरप्राइज है, वो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलो गाइस, अब मैं जा रही हूँ चेंज करने,
फिर चलते हैं हम लोग, निकलते हैं यहाँ से और फिर लेकर आते हैं मिठाई। उसके बाद मुझे घर आकर अपना एक शूट भी करना है। मेरे पास अभी आगे की वीडियोस तैयार है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात के लिए। दिवाली का भी रेडी है, बहुत सारी चीजें तैयार है कि हम वहाँ पर अगर जब रहेंगे तो आराम से फ्री रह पाए। तो चलो अभी मैं चलती हूँ, निकलती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, मेरी वीडियो का थोड़ा सा काम चला था जो कि मैं अपलोड कर रही थी, तो कोई भी कुछ आवाज आ रही है। चलो अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से और मिठाई लेकर आते हैं और जो भी काम है बाहर के वो करके आते हैं। यहाँ पे हम आए हैं स्वीट्स लेने के लिए और हम लोगों ने स्वीट्स ले भी लिया है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। तो बस हमने ले लिया, वो मैं आपको जाकर दिखाऊंगी क्या क्या लिया है जल्दी से। गाइस हम नींद आ चुकी है, तो ये देखिए बैग चेरिया। ओह माय गॉड, कौन से पकौड़े हैं, पता नहीं किसका है। एक खुशखबरी है तेरे लिए, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, अनएक्सपेक्टेड, नहीं पता चलेगा वो भी। कैमरा ऑफ करने के बाद बताएंगे भैया। गाइज इसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इसका सूट है। नहीं मेरा दिवाली का ड्रेस नहीं आया गाइज, इसलिए नो मेरे कस्टमर केयर में बात हुई थी। नो अम्मी तो अब मैं आ चुकी घर और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या स्वीट्स लिए हैं और भी लिया है हम लोगों ने जो कि पैक हो चुका है। अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगी आपको, तो जो मैंने अभी लिया है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बस यहाँ पर कुछ बन रहा है चिकन का, जरूर क्या है मम्मी चिकन अभी के लिए, अभी के लिए ना बाव चिकन फ्राई बन रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लिया हम लोगों ने। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे घर में एक मोटी लड़की रहती है जिसने मुझे वहीं पर मैसेज कर दिया, मैं जैसे ही गई कि नहीं गोलगप्पे लेकर आना। मैंने जल्दी से लिया और ये इतना सारा बनवाया और फिर ना ये सब लिया मैंने, सब लेकर आई मैं। और आटे वाले जो वो मेरे लिए सूजी वाला देखो कितना वो है, उसने दो सूजी का दिया और एक आटे का दिया, मैंने बोला दो आटे का और एक सूजी का। भीड़ इतनी थी कि मैं पागल अलग हो रही थी वहाँ पर। अब कुछ नहीं है, जो भी है खा लो और पी लो जल्दी से, इतनी भूख लग रही थी मुझे, इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, मैं सोचा मैं तो घर आके खाऊंगी क्योंकि वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कुछ नहीं हो पा रहा था। चलिए जल्दी से हम लोग खाते हैं। ये देखो ये पानी पूरी, ये सब हो गया और इसमें सारे हमारी जो मिठाइयाँ रखी हैं वो सारी अरे मैं खा जाऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ गोलगप्पे कैसे खाते हैं। पहले हम इसमें सबसे पहले डालेंगे आलू डालेंगे। आप लोग बताना आप लोगों की तरफ क्या कहते हैं गोलगप्पे को। मैं हो चुकी हूँ अपने लुक में तैयार, मैंने एक सीन अभी कट भी लिया अपना, जो भी एक सीन बचा हुआ था मेरा। अभी मुझे बिंदी लगानी है जो कि मैं यहाँ पर से उठा रही हूँ, देखो इस पे लगा होता है, इस पे से लेती हूँ ऐसे और यहाँ पर मैं चिपका लेती हूँ ऐसे ताकि मेरी मम्मी लुक बन जाए, मम्मी आंटी लुक बना लिया मैंने इसको अपना। और फिर अब मेरा जो भी आंटी वाला रोल है सारा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपना और फिर हमें पैकिंग करनी है। मैंने 100 बार बोल दिया पैकिंग का लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ यार अपना काम, कुछ भी बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा मेरा। हम मुझे मकासा इनसे की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है लेकिन कोई बात नहीं है, अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। और जो जो वॉशरूम में बैठ के फोन चलाते ना उनके लिए न्यूज आई है शॉकिंग। अ मैन बिकम्स पैरालाइज्ड आफ्टर सिटिंग डाउन ऑन द टॉयलेट व्हाइल यूजिंग हिज फोन फॉर 30 मिनट्स। ऐसा होता है क्या? आप लोग बताना गाइस कि वॉशरूम में फोन कौन कौन चलाता है आप में से? कब निकलूं? कौन कौन वॉशरूम में फोन चलाता है? मैं मेरी आदत नहीं है ये। वहाँ पर ये सब चीजें करनी है तो आप वही चीज कर लो, वहाँ पर जिस चीज के लिए आप गए वो करो बस यार। तो चलो मैं जल्दी से अपना शूट कर दी, मैं ये सूट पहन रखा है मैंने जिसमें बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है। गाइस फाइनली पैकअप और यार बहुत थक गई हूँ मैं अभी, अब मुझे बस लास्ट काम रह रहा है जो कि है मेरा पैकिंग करने का। अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने, बस चलते हैं अपने रूम को क्लीन करूंगी और फिर अब पैकिंग करूंगी बस। गाइस मैं फाइनली आ चुकी हूँ अपनी पैकिंग करने के लिए और मैंने सोचा कि चलो कुछ ठंडी के लिए भी रख लेते हैं, क्या पता वहाँ ठंड हो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ठंड होगी वैसे लेकिन फिर भी मैंने ये रख लिया, एक मैं भी रख ही लेती हूँ यार ऐसे बैकअप में रख ली, मतलब ये नहीं कि मुझे पहनना है, मुझे पहनना है इसको, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। और इसके साथ का ये ना ये टी शर्ट है जो इसके सेट का है तो मैं इसको इसके अंदर ही रख रही हूँ, वैसे मुझे इसको नहीं पहनना है, अगर ठंड लगी तो पहन लूंगी। और मुझे दो नाइट सूट रखने थे अपने जो कि मैंने लिए थे, ये रख लेते हैं यहाँ पे। और कुछ इनर वेयर हो गया गाइस, ये कुछ मैं टी शर्ट रख रही हूँ और एक ये मैंने लिया था जो आप लोगों ने शायद देखा ही होगा तो इसको भी रख रही हूँ। 5 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं शायद, लेकिन मैं अपने लिए इसलिए कपड़े ज्यादा रख रही थोड़े कि कम ना पड़े। ये भी रख रही हूँ एक जैकेट की तरह ताकि हमें कभी ठंडी लगे या कुछ भी हो थोड़ी ठंड बढ़ जाए सुबह या किसी टाइम रात में मैं ये पहन सकूँ।
और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे और क्या चीजें रखनी चाहिए, तो अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, अभी थोड़ा धीरे धीरे चलेगा तो मैं दिमाग लगाकर सब कुछ रख लूंगी अपने लिए। और मैंने अपना आउटफिट डिसाइड कर लिया कि मुझे कल क्या पहनना है, बहुत मुश्किल से मुझे लग रहा है कि अब मुझे आप लोगों से मिलना चाहिए अगले व्लॉग में। मैं अपना अगला व्लॉग शुरू कर देती हूँ, और अब आप लोगों को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप लोगों को अगले व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ और कैसे क्या होने वाला है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।